हिमाचल कैबिनेट बैठक में युवाओं को रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पशुपालन विभाग में 1000 मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती की जाएगी। हिमाचल कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। हिमाचल कैबिनेट बैठक में चंबा के चुवाड़ी, कांगड़ा के ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और सोलन के कसौली में जल शक्ति विभाग के डिवीजन खोलने को हरी झंडी दी गई है। इस बार भी पिछले साल की तरह ठेकों की नीलामी होगी। कैबिनेट ने इसको लेकर मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में लेफ्ट आउट पीटीए टीचर की सेवाएं भी नियमित करने का फैसला लिया गया है। ये जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला में कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए दी। उन्होंने कहा कि इन पीटीए टीचर की संख्या करीब 41 है। इन्हें सरकार द्वारा ग्रांट इन एड मिलती है। इनकी बड़े लंबे अरसे से मांग थी कि इन्हें भी बाकी पीटीए टीचर की तरह नियमित किया जाए, यानी सरकार इनकी सेवाएं टेक ओवर करे। इसको लेकर भी कैबिनेट ने निर्णय लिया है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।